सारे दोस्तों सत श्री अकाल राम राम। अज आप जे अपने मैंबर है मिस्टर अतिन, अतिन की हाल है? ठीक ठाक हो? और अतिन अज की लाना चाहोगे? लत्तां दी एक्सरसाइज लाना चाहते हो? बिल्कुल। जोर दे बोल दो एक बार। लेग्स सर, लेग्स वर्कआउट करना चाहता हूं। थोड़ी फेवरेट एक्सरसाइज है भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर, फेवरेट है। तू बस मसला, तू बड़ा मसला ना ले। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया गल है। चलो अज आप फिर करते हैं शुरू लत्तां दी एक्सरसाइज। तो नाले आप अपनी ऑडियंस नूं भी दिखावांगे कि लत्तां दी एक्सरसाइज जिहड़ी है ओह किद्दां वधिया लग सकदी है। जिहड़े बिगनर ने उन्हां तों, जिहड़े उपर दे बंदे ने जिन्हां नूं डेढ़ दो साल हो गए लांदे नूं एक्सरसाइज, आपां उन्हां दे बारे अज गल करांगे सारयां दे कि लत्तां नूं होर वधिया पावर वधाउण वास्ते, स्ट्रेंथ वधाउण वास्ते की मेहनत कीती जाती है। तो मिस्टर अतिन तुहानूं सारयां नूं अज नाल नाल गाइड करनगे आपदी पोजिशन किद्दां है, मोटीवेट किद्दां करना अपने आप नूं। तो अज आपां चलदे हां, सो आओ आपां करदे हां मेहनत। थैंक यू। अतिन अज आप हम थोड़े जा पहला वार्मअप एक्सरसाइज शुरू करांगे। वार्मअप किदां करीदा है जबकि लत्तां नूं पूरियां प्रॉपर स्ट्रैचिंग मिले, ताकि बाद च अपने क्रैम्प्स ना पैन, इंजरीज ना होवे। तो काफ़ी मैंबर इदां दे हुंदे ने जिम जिहड़े कि बिल्कुल आंदे ने और सीधा ही आके एक्सरसाइज शुरू करदे ने, ओह काम नहीं करना। आपां पहला वार्मअप करांगे प्रॉपर। अतिन सारे तो पहला हाथ उपर आके बैठना शुरू करो। हाँ लगाओ इदा, पहले आप स्ट्रैचिंग करनी, थोड़ा वार्मअप करना है। फ्री स्क्वाट जिन्हों आप कहने ये घट्टो घट 15 to 20 or 25 जिन्हें थोड़ी अपना स्टैमिना जिन्ना थोड़ा पोटेंशियल लगा वो अकॉर्डिंग तुम लगा सकते हो। बहुत वधिया तीन शाबाश। पिठ जी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, बैक है देखो बिल्कुल, आप पिछों की आ एंगल देखो बिल्कुल स्ट्रेट है। आ चीज़ चाहिए है, तो यही चीज़ आप मेन चाहिए होंगी है। ठीक है अतिन, हम नैक्सट आप लत्त पिछों की अदर स्ट्रैच करनी है। हाँ टोल्स तो पकड़ो, टोल्स तो पकड़ो, हाँ इदा, और फिर उपर, फिर उपर, हाँ लगाओ मेरे हाथ रख लो। ठीक है आ चीज के उपर तुम इतना स्ट्रैच फील करो। आ रहा जोर आ रहे थे? जी सर। इतने जोर चाहिए आप चीज़ दोबारा फिर करो। ठीक है गुड, वेरी गुड, बहुत वधिया। अच्छा ये करन तो बाद इनू आप थोड़ा जा पैर उपर स्ट्रैच करना, फिर दूजी साइड नू करो। हाँ आ गोडा ऐसा उपर नू चकना है। आज ही स्ट्रैच करनी दूजी लाते आ जाओ, ऐसा शाबाश। ठीक है हुण आप थोड़ा, चलो ये तो फ्री हो गया अपनी एक्सरसाइज थोड़ी, आप हम जॉगर के उपर आप थोड़ी स्ट्रैचिंग करते हैं, वार्मअप करते हैं। आज दिन हम थोड़ा जा लंजिस दे विच आप आज ही करते हुए अगे जाना है। हाँ ते होर दे, हाँ जॉगर की स्पीड के अकॉर्डिंग आप चलना, पिछला जो नीज है वनू नीचे जॉगर न टच करते जावे। जे लगे कभी थोड़ा जा थोड़ी आपको स्पीड लग रही ज़्यादा, तो स्पीड थोड़ी आप स्लो भी कर सकते हैं। ये चीज़ स्ट्रैच करनी है, बहुत वधिया है। ये की है प्रॉपर स्ट्रैचिंग होंगी है, तुम ये घट्टो घट 15-20 राउंड या 15-20 स्टैप्स इदा लगा सकते हो। हम साइड फ्लिप लगायो, साइड से लगायो, साइड चलते जाओ। हाँ बहुत वधिया शाबाश। ये सारिया थाइज या वार्मअप एक्सरसाइज हैं जिड़ी कि बहुत जरूरी होंगे। साइड घूम जाओ घूम जाओ, हाँ वही चीज है। बैक चल के दिखाओ, हाँ शाबाश शाबाश, बहुत वधिया। हम इतने थले बैठ के आप थोड़ी जी स्पीड घटा के, स्पीड थोड़ी जी घटा के डक वॉक करनी है, डक वॉक, डक वॉक करनी है। हाँ जी हाँ चलते जाने जा। हाँ ये देखो एक चीज़ आ सारे मैंबर्स करते होंगे, गोडे बिल्कुल सीधे रखने हैं, गोडे स्ट्रेट करो अपने, इदा चलना। ये सब तो ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज होंगी, ये थाइज जो प्रॉपरली वार्मअप हो जाते हैं, जोड़े गोडे है थोड़े उन्होंने कई बार कड़कड़ दी आवाज़ा आदि होंगे वो चीज़ा नहीं होनगिया। सो इन्ना क वार्मअप बहुत है, और ये अगर 10 मिनट का थोड़ा बहुत अगर कोई स्प्रिंट लगाना चाहते हो 5 मिनट की, तो वह भी लगा सकते हो। तो आप हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, शुरू करते हैं, वार्मअप सारा हो गया, आज वो चलते हैं। तीन हम आप स्क्वाडिंग शुरू करने लगे हैं, अतिन थोड़ा लगा के दिखाएगा पोजिशन और रेपिटेशन कितना प्रॉपर करनी है। तो करो शुरू करो, वार्मअप सेट लगायो। अजय पहले वार्मअप सेट से आपको कोई इन्नी बैल्ट की वारा जरूरत नहीं होंगी, और एक चीज़ मैं सारे अपने ऑडियंस को कहूँगा कि सपोर्टर जरूर पाया करो लत्तों वाले दिन, जो भी एक्सरसाइज लानी लत्तों की।
ਗਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 10 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਇਓ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਜੀ ਬੈਕ ਦੇਖਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਠੇ ਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਸਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿਡਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮਰਦਾ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ 1 2 3 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ 1 2 3 ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹਲਕੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ ਇਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਵਾਈਡ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਮਾਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਿੰਨ ਦੋ ਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਿੰਨ ਕੌਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਵਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਡਰੋਪ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 170 ਤੋਂ ਡਰੋਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਲੇਟ ਵੀ ਆਵਾਸ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਵਾਸ਼ 4 ਲਾਣੇ ਆਤੀ ਨੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਆਵਾਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਲੇਟ ਪਲੇਟ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਲੇਟ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਲਗਾਣੇ ਆ 6 ਆਵਾਸ਼ ਮਾ 1 ਮਾਨ 2 ਆਵਾਸ਼ 3 ਆਵਾਸ਼ 4 ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਚੌਹਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਵਾਸ਼ 1 ਹੋਰ ਚੌਹਾਨ ਮਾਨ 1 ਪਲੇਟ ਕੱਢ ਦਿਓ 1 ਆਵਾਸ਼ ਅਮਾਨ ਅਮਾਨ ਆ ਤੇ 10 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਮਾਨ ਆਵਾਸ਼ ਆਵਾਸ਼ ਚੱਲ 10 9 नीचे 8 7 मान 6 आवाज 5 4 मान चल 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 शाबाश मान 10 4 3 2 एंड लास्ट 1 ओके बहुत बढ़िया सो इनू कहंदे है चौहान दी गलबात चौहान जेड़े हुंदे है चौहान स्ट्रेचिंग करो शाबाश पट्टियां खोल दो ਮਾਨ ਫਾਸਟ 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 ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਜਿਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਰਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੈਲਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੀ ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬਣਦੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਓ ਬਾਡੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰੱਖੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਕਰੋ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਡੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੈੱਟ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ
लेग प्रेस यदि 8 रेपिटेशन लानी है, थोड़ा जा और नीचे आ जगह से चाहिए है। मैं देखा बड़े लोगों को लोग लेग प्रेस जो लगाते हैं वो की करते हैं उपरों माड़ा माड़ा करके दिखाए वो दिन बस इन्ना इन्ना करी जाएंगे। आ चीज़ नहीं आपको करनी हैगी है, नीचे तक लेके आना है इत तक। कई लोग देखा उपर बंदे बिठा लेंगे दो दो तीन तीन और थोड़ा थोड़ा रेपिटेशन लाई जाएंगे, वो इन्नी बकवासबाजी होंगी आ चीज़ नहीं आप करनी, नीचे लैके आओ पूरा उपर जाओ फिर गलबात निकलती गई है। वो चीज़ आपको चाहिए होंगी है थोड़ा थोड़ा लगाने कभी बॉडी नहीं बननी थोड़ी, ठीक है जी। आज वो आप हम लाने लगे लैग एक्सटेंशन जी कि सब तो बेस्ट एक्सरसाइज होंगी है थाइज की, आ देख रहे हो थाइज आ चीज़ आपको चाहिए है। हम तुम देखो बंदा जो उपर लैके आऊगा तो कि घंट गलबात निकलेगी। चलो आदि आवाश कट आ देखो ये फोकस करो आ चीज़ जी है आ जे थाई का कट है साइड तो आ कट है ये चीज़ इस तरह बहुत सोहने निकलते हैं। ये लगाने के लास्ट सैट बंदा लगा रहा है ड्रॉप सैट लगाने का ताकि प्रॉपर कटिंग निकले प्रॉपर शेप निकले। आ देखो ये हो गया 8 रेपिटेशन हो गया 9 और एक हो गया 10 भार कटाओ आवाश दो प्लेटा कटा दियो दो कटा दो कमान कमान पैर शाबाश आवाज जतिन हेलो चट आवाज कट एक आवाज दो तीन चार पांच छः सात आठ ओके पार कटाओ दो प्लेटा कटाओ आवाज आवाज चलो स्टार्ट स्टार्ट कमाना दिन आवाज स्टार्ट आवाज तक हमा तक। ये जड़ा मारना होंगे इनू आप मोटिवेशन बोलते हैं जिम लाइन के, ये चीज बहुत जरूरी होंगी है जो आप हैवी ट्रेनिंग करनी है। आवाज आ दिन पिट कट के पिट कट के आवाज कटो दो दो पार के आवाज हूँ तुम देखियो आ चीज चाहिए जी आ होंगी फुल पोटेंशियल इनू कहें एनर्जी इनू कहें ताकत अमान अदेन चट आवाज चल 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 शाबाश भी 19 18 आवाज 10 9 7 6 आवाज आते हैं पेट दीदी कर आवाज मार और जोर दी ऊपर आके रोक एक लाख लाख चल 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 रोक रोक के रोक आवाज आवाज हर रोकने के बाद जी स्ट्रेचिंग आनी है पंप आना है ये चीज चाहिए आप आवाज बहुत वधिया लगा रहे हैं लेग कर्ल ये होंगी है हैमस्ट्रिंग वास्ते आड पट्टा के कट बन रहे देखो आ जी ये हैमस्ट्रिंग होंगे है लगायो आवाज इतने आगे रोक के स्लो नीचे आना हौली आना जी आ जाओ वापस आओ हाँ हौली हौली आराम नाल आ जी बहुत वधिया शाबाश अदन। पता की चीज़ होंगी है जिन्हें लोग ज़्यादा लैग की एक्सरसाइज नहीं लगाते हैं शनिवार को छुट्टी कर लेंगे है वो चीज़ बहुत माड़ी होंगी है। लैग की एक्सरसाइज लगाने ना अपना टेस्टोस्टेरोन लैवल जोड़ा वो वैसे ही बहुत बूस्ट करता है। लोग ये वास्ते कई लोग शिलाजी दिखाते हैं कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेंदे ने बड़ा कुछ करते हैं टेस्टोस्टेरोन लैवल बढ़ाने वास्ते। तो एक लत्तां दी एक्सरसाइज कल यह जी है जी कि नैचुरली साडा टेस्टोस्टेरोन बहुत वधिया चकदी हैगी है। तो मैं सारे नूं यही कहूँगा कि लत्तां दी एक्सरसाइज आ बंदे वांगू प्रॉपर मेहनत ना लाओ प्रॉपर जोर ना लाओ ये तो होर उपर पोटेंशियल से अगर तुम जा सकते हो होर उपर जाओ तो तुम देखो कि थोड़ी गलबात निकली थोड़ी अपर बॉडी बहुत स्ट्रोंग बनेगी। तो ये अपन को जी और अच्छा लैग कर्ल की जी स्ट्रैचिंग है वो बहुत घट बंद पता होंगी है वो मैं तुम दसदा एक स्ट्रैचिंग यदि की है अदिन ये हाथ रख के सिर्फ जस्ट पैर में पिछे रख के आ चीज़ करनी है हाँ थोड़ा गोडा पिछे करो करो ना पिछु चक्के शेकर चक लो हाँ गोडा इतने रोक के ठीक है सिर पिछे करो हाँ आ बैक से आ चीज़ जोर पिछे बैक से जोर बनेगा पूरा प्रॉपर देखियो हाँ तेनों जिन्ना स्लोली करोगे मसल में प्रॉपर अंदरों महसूस करोगे सोच देखोगे कि बहुत वधिया प्रेशराइज थोड़ा हो रहा है हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छा इफेक्टिव है एक्सरसाइज की है वेरी गुड। वो हूँ की है काफ रेज काफ जी आ देखो पिनिया इन्हों बोलते हैं आ चीज़ देखो कि घंट निकल रही हैगी है इतने रोको हाँ रोको अतिन आवाज आ चीज़ देखो ये चीज़ होंगी असली गलबात जेडे लोग काफ रेज जेडे लगा रहे हैं वो बहुत इनू लाइटली लेंगे एक्सरसाइज में हैवी तो हैवी लगाओ ये 15 to 20 रेपीटेशन लगाओ बहुत वधिया चीज़ होंगी है। एक स्टैंडिंग काफरेज होंगी है एक मशीन वाली सीटेड काफरेज होंगी है और एक आर्नोल्ड की सब तो वधिया एक्सरसाइज सी डोंकी काफरेज वो भी लगा सकते हैं वो भी बहुत अच्छी काफ के उपर प्रेसराइज होंगी है। तो उपर आके जिन्हें रोकोगे जिन्हें स्टे देंगे इतने उन्ना ही प्रेशर लैनगे कई लोग करते हैं फटाफट उपर थले गेड़े क्ढी जो नहीं कम करना आप
मैंबर होंगे ने डाइट वाल ध्यान नहीं देंगे है। सो अज आप मिस्टर अतिन नाल थोड़ी जी आप गलबात करते हैं, इन्हों दिखाने भी जोश का राज की है और डाइट किन्नी खाते हैं किमें खाते हैं। तो मिस्टर अतिन दस्यो यार भी तुम्हें जिम में पहला दसो भी एक्सरसाइज लाते किन्ने साल हो गए मेरे को इतने। मैनू टोटल जी 2 तो 2.5 साल हो चुके एक्सरसाइज करते बट जो मैं प्रॉपर मेहनत शुरू की डाइट एक्सरसाइज वो मैं 2.5 तो 3 महीने हो डाइट मेरी जी चलती पी आ फिलहाल जिम तो पहले एक मैं प्री वर्कआउट भी किया ना तो उस तो अलावा पूरे दिन मैं प्रोटीन डाइट अपनी ज़्यादा रखी हुई है जिमें प्रोटीन शेक हो गया फिर एग्ज हो गए वाइट एग्ज हो गए चिकन चेस्ट हो गई विदाउट सॉल्ट विदाउट ऑयल फास्ट फूड खाते हुए मैं घट्टो घट्ट 7 तो 8 महीने हो चुके हैं ना मैं शुगर लैंना फिलहाल दिन सॉल्ट बहुत ही घट्ट मात्रा खाना मैं फिश चिकन ब्रोकली हरी सब्जियाँ ईवन कि मैं फिलहाल 3 महीने अपना संडे भी चीट नहीं किया और सब गुरु जी की मेहरबानी करके होया जी क्योंकि हुण तैयार कर रहे हैं। बाकी किसी ने भी डाइट चार्ट पूछना या एक्सरसाइज शेड्यूल पूछना वा तो सर तो थले कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं जी। सो तुम सुन ही लिया मिस्टर अतिन कि किन्ना डाइट कॉन्शियस है तो इदा दिया बॉडियाँ इदा की मेहनत एवें नहीं हो जाएं डाइट के उपर बड़ा जोर देना पैदा बड़ी मेहनत करनी पैंती है। अच्छा एक चीज़ मैं होर दसना चाहूँगा कि कुछ ना मैंबर हमने थले मैंने कमेंट बॉक्स लिख रहे हैं कहते जी अस तो लत्तों की एक्सरसाइज जो शुरू करी दी महीने के एंड से जाके शुरू कर देने अभी जाके पहले लाते ही नहीं लत्तों की एक्सरसाइज और मैं ये बारे कहना चाहूँगा कि लत्तां जिहड़ियां एक बहुत मेन पार्ट होंदियां एक्सरसाइज का थोड़ा अगे भी दस्या ये कि टेस्टोस्टेरोन लैवल अपना बूस्ट होंदा ये आपां लत्तां जिहड़ियां सब तो पहला शुरू करनी चाहीदियां जिवें आम मुंडे की करते हैं आते हैं पहला डोले लाने शुरू करते हैं सर नहीं अच्छा साडा पहला दिन आपां डोले लावांगे जी मैं कहना ना यार डोले क्यों लाने पहले लत्तां शुरू करो लत्तां लाओ तुसीं उहदे नाल तुहाडा चेस्ट की है बाइसेप्स की है शोल्डर्स की है वह आपे ही बूस्ट करनगे आपे ही पंप लैणगे वधिया तों वधिया। सो ये चीज़ कभी नहीं करनी कि जाऊँगा तो महीने के एंड से लाऊँगा या शनिवार लाऊँगा जिस दिन थोड़ी वारी है उस दिन लगाओ ठीक है जी ये चीज़ करो। तो अतिन बाकी मैंने एक चीज़ होर दसो कि तुसी दिन दे विच जिवें रेस्ट करते है वो सारे दिन दे विच वो किन्नी कर लैंदे है वो 1-2 घंटे भी सोने हो कि नहीं सोने हो। सर मैं सिर्फ सवेरे जिम उत्तों बाद अपना ऑफिस राती मैं पूरे एग्जैक्ट ऑफिस तो घर जाके अपनी लास्ट मील खा के 10 तो 10:30 बैड पर पै जाना मतलब 6 तो 7 घंटे मैं अपनी रेस्ट लैंना जी रात को। तो ये चीज़ हैगी है कि रात में जी 6 तो 7 घंटे जी नींद है जरूरी हैगी है पर नाल में मैं एक होर सुजैशन दूंगा कि दोपहर में भी अगर सो सकते हो 1 घंटा जिन्हों आप बोल देंगे नैपिंग करना है ना वो तुसी करो नैप लो अपनी तो भी थोड़ी बॉडी जी रिकवर करूगी और थोनू मैं एक बड़ा एक सिंपल जहा फंडा दसदा बॉडी बनाने का कि बॉडी ग्रोथ एट रेस्ट कि जिन्ना तुसी रेस्ट दोगे बॉडी में मसल थोड़ा उन्ना ग्रोथ करूगा उन्ना थोड़ा साइज वधूगा। तो ये चीज़ होंगी है। सो अतिन बाकी तुसी एक चीज़ मैंने ये दसो कि जेडे सप्लीमेंट ने तुसी हुण जिम तो बाद प्रोटीन लै रहे है तो ग्लूटामिन लै रहे है तो उन्हें इन्हों का कोई नुकसान तो नहीं लग्या कोई यदा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं लग्या है वो बारे दसो कई लोग आते हैं इन्हों ही अजय कल की गल हैगी है कि एक मैंबर आए कहिंदा होर भीरे डब्बा खाना कितनी बॉडी बना ली और बहुत जी ये डब्बा नहीं हुंदा है ये सप्लीमेंट हुंदे हैगे ने जिहड़े कि बॉडी बनाने हेल्प करते हैं जो थोड़े पंजाबी कहिंदे है दम हैगा तो तुम डब्बा खा लो यार तुम पैसे खर्च लो तुम इतने मेहनत कर लो और थोड़ा मिस्टर अतिन दसन के इन्होंने बारे की इन्हों की फायदा की नुकसान की है। पहली गलता जी जो वे प्रोटीन ना एक दुध तो बनता वा यदा कोई नुकसान नहीं है एक मिथ बने हुआ प्रोटीन ना ये होंगे वो होंगे तो जी दूजी गल जिन्ने का जी एक डब्बा प्रोटीन का आता ना उन्ने का लोगों का घर का राशन आता जी 1 महीने का तो जो बंदे वे प्रोटीन लेंदे उन्होंने माड़ा ना किया करो बहुत औखी गेम है जी बहुत टफ गेम है जी हर महीने जी 10 तो 12 हज़ार रुपया डाइट तो लैना प्रोटीन तो लैना जिम की फीस लैना कोई छोटी मोटी गल नहीं हैगी जी। तुम सुनया मिस्टर अतिन तो मैं सबनों यही कहूँगा कि सब तो पहली चीज़ डाइट दूसरी चीज़ एक्सरसाइज तीसरी चीज़ पेशेंस पेशेंस अगर रख सकते हो और डाइट वधिया खा दो थोड़ी बॉडी बहुत वधिया बनूगी तुम बहुत ग्रोथ करोगे। सो अज वास्ते आप इन्ना ही बहुत कंप्लीट करते हैं तो नैक्सट टाइम वास्ते कमेंट दस्यो तुम कि बॉडी पार्ट बारे होर जानना चाहते हो कि बारे होर एक्सरसाइज बारे जानना चाहते हो तो दस्यो मैनू आप उस ब्लॉग बनावे तो एक चीज़ जरूर सबसक्राइब जरूर कर दियो तो कमेंट जरूर करो तो इसे शेयर भी जरूर करो ताकि साड़ी जी आप मेहनत की है थोड़े वास्ते साड़ी सक्सैसफुल होवे। थैंक यू जी जय श्री राम जी।